वेलकम डॉक्टर गुलाटी, अज असी बहुत खुश हाँ तुसी साडे स्टूडियो च आए हो। और अज डॉक्टर मदन गुलाटी का मैं वेलकम करदा, जो कि बहुत एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, चंडीगढ़ च प्रैक्टिस करते हैं और 35 साल का इन्हों बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गुलाटी, अजकल ना बहुत ज़्यादा जिगर दी बीमारियां फैल चुकी ने। कई बार सुनया जाता कि शराब पी के लोगों का लीवर खराब हो गया और हैपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया। इन्हों बारे थोड़ा जा चानना पाओ, ये कैड़ियाँ बीमारियां ने और ये क्या आयुर्वेद के विच इन्हों का कोई इलाज संभव हैगा या नहीं हैगा? बहुत सोहने तुम अज जरा माइंड बनाया कि आप जिगर की बीमारियों बारे गलबात करिए। जिगर तुम्हें पता है साड़ी बॉडी का एक बहुत वड्डा इंपोर्टेंट ऑर्गन है। ईश्वर ने सानू सब तो वड्डा ऑर्गन दिता है। यदा फंक्शन जो मेन होंगे वो डिटॉक्सीफिकेशन करना होंगे। जोड़ा भी कोई असी बाई द वेल कोल लै ली या किसी दवाई खा ली या कुछ जरा भैड़ा इफेक्ट होंगे, जो नैगेटिव इफेक्ट है दैट इज़ ओन दी लिवर। लिवर का एक फंक्शन है डिटॉक्सीफिकेशन। जी भी असी कोई चीज़ लवेंगे ना वो डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है। वो जो जो कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाती है तो फिर उसे कहने हैपेटाइटिस ए दी भी हो सकती है, हैपेटाइटिस बी होंगे, हैपेटाइटिस सी है, ठीक है। उन्होंने सानू अज की डेट सब तो ज़्यादा जो भयंकर ने जो थोड़े खतरनाक ने हैपेटाइटिस बी और सी है। एल्कोहलिक सिरोसिस होती है, लिवर जो है ना मतलब कठिन हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है। साडा आयुर्वेद का बहुत जबरदस्त रोल है। पता है कि जी मको हैगी है बेस्ट ड्रग फॉर दी सोलेनम नाइग्रम। मको जिन्हों असि अपना आम तौर पर भमोला कहने, भमोला का जो है हाँ तो बनी हुई कोई दवाई दी जाए, जां पूजा आमला है, जां कालबेग है, गिलोए है, इन्हें चीज़ों का जरा इस्तेमाल करते हैं वो सू जी एंडोग्राफिस पैनिक चरैता बेस्ड ड्रग्स होंगे ने। अच्छा, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां तुसी दसियां, पकौड़ा भमौड़ा हो गया, कासनी हो गया और गलोए हो गई, ब्रिंगराज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इन जड़ी बूटियां नाल क्या हेपेटाइटिस बी जड़ा है वो क्या नॉर्मल भी आ जाता है कि वायरस? बी कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी दे विच ना साडा बहुत एक अच्छी दवाई हैगी जिन्हों असी नागर मोथा कहने हैं। नागर मोथा बहुत वधिया काम करता है। अच्छा, साइप्रस रूटंडस, भूमि आमला भी मैं सुने हैं, आमला बहुत अच्छा करता है, शोनाक बहुत अच्छा करता है। अच्छा, शोनाक भूमि आमला ते नागर मोथा नु कॉम्बिनेशन दी फॉर्म च मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस च करता यूज, रेगुलर तौर ते लेंदे रहन और शराब दे दुष्प्रभाव तो बचदे रहन। शराब दा सब तो वड्डा जिहड़ा बुरा इफेक्ट हैगा ओ जिगर हैगा ओ हार्ड हो जांदा है। नेगेटिव हो गया है। हाँ। भी मैं थोड़ा अपने लखोवाल साहब जो एसपीओ लगे हुए मोहाली दे विच। अच्छा जी। और इन्होंने मतलब इन्होंने हैपेटाइटिस बी पॉजिटिव सीगा। अच्छा। यकृत हम तक चून दिता सी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिता सी। अच्छा। उन्होंने नाल बात कर मैं लखोवाल साहब तो पूछना चाहवांगा, तुसी मैनूं थोड़ा जिहा दसो कि तुहानूं एक प्रॉब्लम हैपेटाइटिस बी तुहाडा पॉजिटिव आया सी पहलां? हां पॉजिटिव आया जी, मैं सिंगल हुंदा सी। अच्छा जी। कदी मैं बीमार ही नहीं सी पहली गल तो कदी। अच्छा। मैं मेरा कजन मैं उन्होंने को लैके आया, मैं घबरा गया, मेरी वाइफ भी घबरा गई, किसी ने कहता भी क्योरेबल नहीं कर बहुत घबरा गई। मेरा ब्रदर मैंने कहना एक बार तुम मेरे डॉक्टर साहब को चलो, अच्छी अपॉइंटमेंट लाई फोन करके, डायबिटीज ने ठीक की। अच्छा। अपॉइंटमेंट फोन करके लई, इन्हों का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब ने टाइम देता इन्होंने को, टाइम लेना कोई सौखी गल नहीं, वॉक करना टाइम लेना पैंता इन्होंने को, पुछना पैंता कोई पेशेंट बहुत आते हैं। क्या मेरा कजन कहना मैंने पूरा जी भाजी टाइम मिल जाएगा, इन्होंने सू टाइम देता इन्होंने को आए, ये कहना जी कोई गल नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहना जी कहते दारू कि मैं दारू तो मैं बड़े काफ़ी थोड़ी पीना बहुता नहीं है ना, तो मैं बीमार नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने मैंने पूछा भी तुम्हें होर कोई बीमारी, मैं मैंने दंदा की बीमारी है। अच्छा। तो मैं संगरूर हूँ, मैं आम डॉक्टर को सुई साई मरवा के टीका टूका लवा के। अच्छा। डॉक्टर साहब ने कहना भी तुम कि दंदा नहीं कितने कोई
ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਕੋ ਸਾਰਾ ਲਿਵਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਰਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੂਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਭੂਈਆਂ ਆਮਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਭੂਈਆਂ ਆਮਲੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੂਈਆਂ ਆਮਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਰੇਕਲ ਫਾਰ ਦਿਸ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਓਕੇ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੱਸੀ ਫਾਲੈਂਥਸ ਨਿਊਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਾਸੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਮਲੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਮਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭੂਈ ਵਰਗੇ ਭੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮਲੇ ਉਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਭੂਈ ਆਮਲਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਟਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਰੀਜ਼ਾ ਕਰੂਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਨਨੋਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਮੇਗ ਹੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਸਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੈਲਵਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸਤਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ